दोस्तों, चमार जाति के कुछ योद्धा ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आपके वो सूट जाएंगे। दोस्तों, नंबर वन बात करते हैं गुरु रविदास जी। जी हाँ दोस्तों, गुरु रविदास जी जिन्हें रविदास भक्त भी कहा जाता है, दोस्तों ये चमारों के प्रमुख गुरु रहे हैं और आज भी इन्हें अच्छे खासे तौर पर माना जाता है। दोस्तों, ये हिंदू ग्रंथ में सभी लोग इन्हें माने जाते हैं। दोस्तों, ये सत्यम और हमारे हिंदू ग्रंथ यानी कि हिंदू धर्म में चलने का रास्ता बताते हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि इंसान को अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कहते हैं कि चमार जाति के विचलित होने का रास्ता केवल एक ही है। दोस्तों, मुस्लिम जिन्होंने सिकंदर लोदियों ने अत्याचार कर करके मुझे जूते बनाने स्टार कर दिए थे, चमड़े के जूते बनवाया, लेकिन मैं कभी भी मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया क्योंकि मैं अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं हुआ, मैं कभी भी अपने हिंदू धर्म को नहीं झुकने दिया। दोस्तों, ऐसे पुरुष को दिल से सलाम है। दोस्तों, वहीं पर चमार जाति के दूसरे नंबर पर बात करते हैं गौतम बुद्ध। दोस्तों, कहा जाता है कि विष्णु भगवान के नवे अवतार माने जाने वाले गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी और महान पुरुष थे। दोस्तों, ये दिल को रास्ता बताते हैं कि इंसान को कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए। दोस्तों, वहीं पर बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं अशोक सम्राट, जिन्हें अखंड भारत का निर्माण किया था। दोस्तों, ये एक ऐसा महान योद्धा था जो दस दस योद्धाओं से लड़ने की हिम्मत रखता था। वहीं पर दोस्तों बात आती है चौथे नंबर पर चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने मगध का राजा हुआ करता था। दोस्तों, उन्हीं के साथ लास्ट में आते हैं डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, जो एक ही महार जाति यानी कि दलित समाज से थे, वो भी चमार से ही थे। दोस्तों, उन्होंने भी अपना कदम उठाकर आज भी वो दिलों के आदमियों के दिलों में राज करते हैं और वो दुनिया के इंसानों में राज करते हैं। उनको दिल से सलाम।